गोल लेना चाहते थे लेकिन गोलकीपर कोई गलती नहीं की, अपने ग्लव्स में गेंद लिया और हवा में गेंद उछाली अपने साथियों के लिए, लेकिन लगता है कि दिशाहीन शॉट और आउट देखने को मौका जगलपुरा हावड़ा के खिलाड़ियों को और अपने साथियों को ढूंढ करती है। देखना है कि वह किस प्रकार अपने साथियों को देते हैं, लेकिन वहां पे नाम कर लिया के दो हावड़ा के खिलाड़ियों के पास गेंद और आगे बढ़ाता हुआ अपने साथियों को भी है, लेकिन वहां पे मौजूद रहने के कारण सुरक्षित जगलपुरा के खिलाड़ी। रेफरी मैच का इशारा शॉट का और इससे गोलकीपर ने अपने साथियों को बढ़ा दिए हैं। अब देखना है कि उनका साथी किस प्रकार अपने साथियों को देता है। अच्छी खासी यहाँ पे जगह बनाते हुए हवा में गेंद उछाल दिया है, देखना है कि गेंद को पकड़ पाता है कि नहीं, लेकिन आउट लेन के बाहर। इस बार आउट फेंकने का मौका केंद्र धरना के खिलाड़ियों को, काफी लंबी थ्रो यहाँ पे क्या अपने साथियों को दिया, लेकिन वहीं पर हेड कर जगलपुरा हावड़ा के खिलाड़ियों ने आगे बढ़ा दिया और इससे हेड करके वहां आगे बढ़ा दिया गेंद, उनका फायदा उन्हें नहीं मिला। गोलकीपर जगलपुरा हावड़ा के खिलाड़ी ने पकड़ा और गेंद को हवा में लहरा दिया है और रेफरी में कैसा हैंडबॉल का आराम तो कोर्ट उधर उन्हीं की गलती है। हां उन्हीं बाहर बॉल बोल हो इधर रहा कितना बॉल हो बाहर से शॉट लगाने तैयार जगलपुरा हावड़ा के खिलाड़ी, लेकिन अपने साथियों को देने में नाकामयाब, वहीं पर हेड कर आगे बढ़ा दिए थे और इस बार भी जगलपुरा हावड़ा के खिलाड़ियों को कॉर्नर किक मारने का सौभाग्य मिला है। यहाँ पे हावड़ा जगलपुरा के खिलाड़ियों को दो से तीन बार कॉर्नर किक लगाने का मौका मिला है जिसमें कि उनको फायदा नहीं मिल पाई है। अब देखना है कि इस कॉर्नर किक पर क्या कर पाते हैं जगलपुरा हावड़ा के खिलाड़ी। काफी दूर से चल करके आए, गेंद अच्छी खासी ऊंची है, खिलाड़ी ने आउट फेंकने का सौभाग्य मिला था और गेंद हवा में है, देखना है कि किस प्रकार ये फायदा ले पाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनको फायदा नहीं मिल पाए कि वह ज्यादा गेंद वाले खिलाड़ी वहाँ पे आपस में जूझता हुआ गेंद को फिलहाल आगे निकाल दिया है और यहाँ पे जगलपुरा के खिलाड़ियों ने अपने साथियों को दिया है, बहुत अच्छा शॉट निकाल दिया है उन्होंने, अभी भी गेंद पर पकड़ बनाई हुई है लेकिन लगता है कि पकड़ से बाहर और रेफरी में कैसा रहा बैक शॉट का, इस तरह से केदो धरना के बैक शॉटर शॉट लगाने के तैयार। अब तक जो खेल हुई है दोनों तरफ से 0-0 के बराबरी में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम साइड केदो धरना के खिलाड़ी हैं और पूरा साइड पीले जर्सी में जगलपुरा हावड़ा के खिलाड़ी हैं। अब तक जो इन्होंने खेल दिखाई है बड़ा चुस्त दुरुस्त खेल दिखाई है, लेकिन यहाँ पे अपने मंजिल को पाने के लिए किसी को तो हारना ही होगा और इससे आउट लेते बाहर गए, आउट फेंकने का मौका केवल झरना के खिलाड़ियों को। रेड लाइन में कैसा शायद खिलाड़ी चेंज हो रहा है किधर धरना के, और किधर धरना के द्वारा आउट फेंका गया अपने साथियों को दिया, हेड कर उन्होंने आगे बढ़ा दिया और इस तरह गेंद हवा में है। जगलपुरा के खिलाड़ी के द्वारा उनको मिस फील हुई थी लेकिन कोई गलती उन्होंने नहीं की और सीधा नेट में डाल दिया जगलपुरा के खिलाड़ी ने। पहला उन्होंने पहले बार भी फील की थी लेकिन गेंद को बनाया और अपने साथियों को दिया और उनके साथी कोई गलती नहीं की, जैसे ही मौका मिला सीधा गोल पोस्ट के अंदर एक गोल से आगे जगलपुरा हावड़ा के खिलाड़ी। यह फाइनल मुकाबला जगलपुरा